बिल्कुल, ये संवेदन शून्य सरकार बन गई है। देखिए, कल वो वहां के जो है एक नेता म्हात्रे को ऐसा बता रहे थे कि जिसने वो एंकर ने बताया कि ऐसा बल तरह से बता रही है कि जैसे उस पे ही बलात्कार हुआ है, वो एंकर पे ही बलात्कार हुआ, ऐसे उस वो इस तरह से बता रही थी, ऐसा वो बोले वो म्हात्रे जो इसके शिंदे साहब के पार्टी के है, शिवसेना के। हाँ हाँ बिल्कुल तो उन्होंने जब बताया तो पीछे जो एकनाथ शिंदे जी के सुपुत्र जो है वो खासदार हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो खड़े थे, वो हंस रहे थे उस बात, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे उनको जी, जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। एक डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, हाँ श्रीकांत शिंदे जी वो हाँ हंस रहे थे, आप देखिए वीडियो, कुछ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उस बारे में उनको जरा भी चिंता नहीं है। देखिए बीजेपी की जो मानसिकता है, ये उन अब ये सीख गए बीजेपी की भाषा, और बीजेपी की जो नीयत है, बीजेपी की जो भाषा है, बीजेपी का जो रवैया है, जो शिंदे जी ये 2 साल में पूरी तरह से सीख लिया उन्होंने। देखिए वो भी बृजभूषण सिंह को बचाने में लगे हुए, देश के जो खिलाड़ी है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन्होंने जब आरोप किया तो उन्होंने इनको एक झटके में बाजू में कर देना चाहिए, लेकिन इनको आदत है अपना आदमी कितना भी बुरा हो उसको बचाओ। एक वहां का जो उनका बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, उसके संस्था में हुआ तो ये बोल सकते हैं, भाई ठीक है उसकी संस्था में हुआ तो भी इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।